विप्र सेना अजमेर ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा की गई रामचरित्र मानस पर हिंदू समाज के प्रति आपत्तिजनक पोस्ट का विरोध दर्ज करवाया। विरोध जताते हुए विप्र सेना अजमेर ने अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। हाल ही में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरित्र मानस पर हिंदू समाज के प्रति आपत्तिजनक पोस्ट की है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का विप्र सेना अजमेर ने विरोध दर्ज करवाया है। विरोध दर्ज करवाते हुए विप्र सेना अजमेर ने अलवर गेट थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमा दर्ज करवाते हुए विप्र सेना ने बताया कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरित्र मानस पर हिंदू समाज के प्रति आपत्तिजनक पोस्ट एवं सांप्रदायिक हिंसा तथा असंवैधानिक टिप्पणी की है, जिससे समस्त हिंदू समाज के अस्तित्व को ठेस पहुंची है। जानकारी देते हुए शहर अध्यक्ष नरेश मुदगल ने बताया कि वामन मेश्राम में जो वामसेव समिति के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि ब्राह्मणों के अंदर यहूदियों का खून है, इसलिए ब्राह्मणों को इस देश से बाहर निकाला जाए। जब प्रशासन की नज़र इस तरह की गतिविधियों पर रहती है तो प्रशासन ने अभी तक इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है। लगातार ब्राह्मण समाज को आहत करने का प्रयास किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पूर्व बिहार के शिक्षा मंत्री ने पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर कोई सवाल उठाए हैं और आज तक वह इन सवालों पर अड़े हुए हैं। हिंदू धर्म पर हर कोई आता है और सवाल उठाने खड़े हो जाते हैं, जिसको लेकर आज मुकदमा दर्ज करवाया गया है। साथ ही सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। जैसा कि आपको पता है, सोशल मीडिया पे कुछ एक मैसेज वायरल हुआ है कि वामन करके एक व्यक्ति है, जो कि व्यक्ति क्या व्यक्ति होने के नाम पर ही एक कलंक है इस हिंदू देश के अंदर, जिसके द्वारा एक टिप्पणी की गई है कि ब्राह्मणों के अंदर यहूदियों का खून है और इन यहूदियों को और ब्राह्मणों को इस देश से बाहर निकाल के मार पीट के बाहर निकालो। तो ऐसी तरह का बयान देना सबसे पहले तो एक दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो प्रशासन के लिए है कि प्रशासन की पैनी नजरें जो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के आपत्तिजनक नारों के ऊपर रहती है, विवादों के ऊपर रहती है, प्रशासन ने अभी तक इसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करी। और आए दिन आप देखें कि ब्राह्मणों को एक तरह से टारगेट बनाया जा रहा है, कभी ब्राह्मण के मंदिर के पुजारियों को टारगेट बनाया जा रहा है, कभी ब्राह्मणों के लिए अनगल व्यवस्था की गई है, करी जा रही है। तो अब क्या है, ब्राह्मणों का जो रोष है वो बिल्कुल सर माथे पे आ गया है, क्योंकि ब्राह्मण सदा शालीनतापूर्वक रहा है, सभी का सम्मान किया है और इस सम्मान को कई लोग बाग कई जो अन्य जो भड़काऊ भाषण देने वाले हैं लोग बाग इसको ब्राह्मण समाज का एक तरह से मान लीजिए कायर ना समझने लग गए हैं कि ब्राह्मण कायर है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण सम्मान करना जानता है तो अपने सम्मान के लिए गर्दन उड़ाना भी जानता है उन लोगों की। तो इसी मुद्दे के लेकर आज विप्र सेना के द्वारा अलवा के थाने के अंदर जिला अध्यक्ष गुंजन शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ पे मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। नरेश मुदगल, अजमेर शहर अध्यक्ष, विप्र सेना। जी बताइए, किस तरह की टिप्पणी की है और क्या मामला दर्ज? देखिए, कुछ दिन पूर्व बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने हमारे पवित्र ग्रंथ रामचरित मानस पर सवाल उठाए थे और उसके बाद वो अपनी बात पे आज भी अड़े हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको कानून का भय खत्म हो चुका है। आज रामचरित मानस पर सवाल उठा रहे हैं, उससे पहले रामायण पर सवाल उठा, भगवद गीता पे उठाएंगे। तो हिंदू धर्म को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया, जिसको आता है वो आवाज मतलब एक टारगेट करता है हमारे खिलाफ। उसी के तहत आज हम लोग यहाँ अलवर गेट थाने पर एक FIR दर्ज कराने के लिए आए हुए हैं। साथ ही साथ एक वामन में आश्रम नामक व्यक्ति है जो कि वामसेव नामक संस्था चलाता है, जो ब्राह्मणों के लिए कहता है कि ब्राह्मण और यहूदी दोनों फॉरेन का इनका DNA बाहर का है। तो मैं उन्हें बता दूं कि शहीद मंगल पांडे ने पहली गोली जो चलाई थी वो ये सोचे नहीं चलाई थी कि ब्राह्मण ही आजाद होंगे, उन्होंने सोचे चलाई थी पूरा देश आजाद हुआ। और वो वामन में आश्रम जैसा जो घटिया इंसान है वो भी उसी आजादी का आज इतना लाभ ले रहा है कि आज वो खुलकर बोल रहा है। तो हम चाहते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। और जो शिक्षा मंत्री बना हुआ बिहार का, वहां की सरकार पता नहीं उनको कैसे झेल रही है, वहां के लोग ही जान सकते हैं। ठीक, आपका नाम? गुंजन शर्मा।